नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है। कोरोना के दौर में इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। वजह एकदम साफ है, तंबाकू ने कोरोना को ज्यादा घातक बना दिया है। WHO का कहना है कि तंबाकू का धुआं सांस की नली और फेफड़ों में कोरोना वायरस के रेस्पिरेटर्स की तादाद को बढ़ा देता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों को कोरोना होने की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह किसी भी तरह का धूम्रपान करने वाले लोगों को अगर कोरोना होता है तो उन्हें वेंटिलेटर पर लेने या उनकी मौत की आशंका 80% ज्यादा हो जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। तंबाकू का मजा कभी भी जिंदगी भर की सजा बन सकता है, ये जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में कर रहे हैं और जानलेवा बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने और तंबाकू की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। हर साल इस दिन के लिए एक विशेष थीम आयोजित की जाती है। इस साल यानी कि 2021 में इसकी थीम छोड़ने के लिए प्रतिबंध यानी कि कमिट टू क्विट रखी गई है। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों में वृद्धि को देखते हुए नो टोबैको डे मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 1987 में की गई थी। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार इस दिन को 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया था, लेकिन इसके बाद 31 मई 1988 को WHO 42.19 प्रस्ताव पास होने के बाद से इस दिन को हर साल 31 मई को मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि तंबाकू खाना और धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए वाकई बहुत हानिकारक है। इसके सेवन से उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और कई तरह की जानलेवा बीमारियां शरीर में घर करती हैं। इसीलिए इसके सेवन से हमेशा बचना चाहिए। जो लोग तंबाकू का सेवन कच्ची तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला या हुक्का किसी भी तरह से कर रहे हैं, उनको इसके नुकसान के बारे में समझाते हुए तंबाकू छोड़ने के लिए तो उनको प्रेरित किया ही जाता है। उन युवाओं को भी इस बारे में समझाया जाता है जो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए एक विशेष थीम तय की जाती है। इस साल यानी कि साल 2021 के लिए इस थीम को छोड़ने के लिए प्रतिबंध कमिट टू सुसाइड रखी गई है। हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो इसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं। कोरोना के चलते इस साल ज्यादातर कार्यक्रम ऑनलाइन या फिर डिजिटल के माध्यम से आयोजित होंगे। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध विषय पर पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन बीती 20 मई से किया गया है, जो 10 जून 2021 तक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आयोजित होगी। तंबाकू का सेवन या इसका किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से एक नहीं बल्कि कई तरह की जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इनमें फेफड़ों का कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, हृदय रोग, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर जैसी कई और गंभीर बीमारियां शामिल हैं। भारत में कैंसर मरीजों की बात करें तो अभी तक 22 लाख से ज्यादा कैंसर मरीज हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज इसी बीच ये भी जानते हैं कि आखिर कैंसर कितना खतरनाक रोग बनता जा रहा है और भारत में इसका कितना प्रभाव है। हर साल करीब 11.5 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आते हैं। हर साल करीब 8 लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 75 साल से कम उम्र के लोगों की बात करें तो 9.81% पुरुष और 9.42% महिलाओं में ये रोग होने का डर रहता है। साल 2018 में ही कैंसर से 7,84,821 लोगों की जान चली गई थी। साल 2018 में कैंसर से होने वाले मौतों में पुरुषों की संख्या अधिक थी। 2018 में कैंसर से 4,13,519 पुरुष और 3,71,302 महिलाओं की मौत हो गई थी। कैंसर में मरने वाले मरीजों का जोखिम 7.34% है। पुरुषों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर से 25% लोगों की जान गई है, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केस ज्यादा हैं। ये
भी कहा जाता है कि 5 कैंसर ऐसे हैं जिनके केस सभी कैंसर केस का 47% है, लेकिन उनके अधिकतर केस में लोगों का इलाज हो गया है। भारत में हर 8 मिनट में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से एक महिला की मौत हो जाती है। ICMR के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर तीसरा सबसे आम कैंसर है। तंबाकू के उपयोग से संबंधित कैंसर पुरुषों और महिलाओं में लगभग 30% कैंसर के लिए होता है। स्तन कैंसर के इलाज के बाद भी 2 में से 1 महिला की मौत हो जाती है। हर दिन तंबाकू की वजह से 3500 लोगों को कैंसर हो जाता है। 2018 में तंबाकू के सेवन से 317,928 लोगों की मौत हो गई थी। अगर कैंसर के कारणों की बात करें तो तंबाकू से 17.4%, अल्कोहल से 6.5% और इन्फेक्शन से 21.7% लोगों को कैंसर होता है। हालांकि अब कैंसर से होने वाले इलाज की संख्या भी काफी बढ़ गई है। 30 साल में 69 साल के बीच होने वाली कैंसर से मरीजों की संख्या 5,56,400 है। कैंसर एक ऐसा रोग बन गया है जिससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं। सरकारें भी कैंसर को लेकर कई कदम उठा रही हैं, लेकिन फिर भी ये भयावह बीमारी बनकर सामने आई है। दरअसल कैंसर मरीजों और कैंसर से होने वाली मौतों के आंकड़े भी काफी डराने वाले हैं। भारत में हर 1 घंटे में कैंसर की वजह से कई मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।